चाहूंगा किस तरह की सेवाएं होगी, खास होगा मतलब यहाँ पे मतलब ब्यूटी का खास ध्यान रखा जाएगा और हेयर का, और स्पा में मतलब जैसे भी मतलब बॉडी की कुछ प्रॉब्लम होती है किसी में, स्किन ट्रीटमेंट होता है, सब सारे ट्रीटमेंट होंगे। कुछ आपके बारे में बताइए, किस तरह से आपने सोचा कि ये इस तरह की दुकान शुरुआत करने, और आपके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली ना मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके आज ये लेवल पे पहुंची, तो मुझे मतलब बहुत प्राउड फील होता है। कविता मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि यहाँ का जो एम्बियंस है उसके बारे में क्या कहेंगी, और स्पा में आप कितना जाती है और ये स्पा सबसे कितना अलग है? पहली बात कॉन्ग्रेचुलेशन टू समीरा, जैसे कि उन्होंने बताया कि इनका काफ़ी स्ट्रगल रहा है, और हर एक इंसान का एक स्ट्रगल रहता है, मेरा भी स्ट्रगल है, आज भी चल रहा है, चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग लास्ट ब्रेथ तक। सो अगर वो स्ट्रगल करने के बाद एक मुकाम पे कोई पहुंचता है और एक अपना खुद का एक सलून खड़ा कर देता है, कुछ एक छोटी सी दुकान में डाल देता है, उसके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है, विच आई फील वेरी प्राउड फॉर हर। और जहाँ तक स्पा की बात रही, मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ स्पा में, क्योंकि बचपन से मम्मा ने घर पे ही स्पा बना रखा था, जैसे कि आपको मालूम है घरेलू सारे होममेड वो होती थी रेमेडीज जो यूज़ किया करती थी। बट क्योंकि जब समीरा ने बताया शी इज़ अ फ्रेंड के ये अपना बना रहे हैं यहाँ पे नया सलून खोल रहे हैं, तो मेरी आज की फ़्लाइट थी चेन्नई की, सो व्हेन शी टोल्ड मी कि ऐसा है, तो मैंने कहा यहाँ पे आने के बाद ही मेरा जाना होगा, उससे पहले नहीं जाना होगा, तो आई कैंसिल दैट एंड आई केम टू हर एंड बिग 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 हार्टियस्ट कंग्रेचुलेशंस टू हर। और जितने भी दिल से और हार्ड वर्क से इन्होंने ये यहाँ तक पहुँची है, एक छोटी सी जगह भी ले ली है यहाँ के अंदर, मुंबई के अंदर, और बस मेरी बेस्ट विशेज है टू हर फैमिली कि जिस नीयत से उन्होंने ये बनाया, उनकी नीयत बहुत ज़्यादा पन पे, ये काम बहुत ज़्यादा हो और उनकी फ्रेंचाइजीज को ले आगे जाके हर एक पूरे ऑल ओवर द मुंबई ऑल ओवर द इंडिया। सो आई जस्ट विश कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेज टू हर। मैम आपसे जानना चाहेंगे कविता जी को आपने यहाँ पर बुलाने का कोई खास रीज़न? अचानक बोला था कि हमें ऐसे ऐसे स्पा हो गया, मतलब आपको आना है, तो ये बोला कि मैं तो बाहर जा रही हूँ, तो मैंने बोला कि नहीं आपको आना है, तो इन्होंने बोला ठीक है मैं फ्लाइट कैंसिल करती हूँ और मैं आती हूँ। कविता जी काफ़ी फिटनेस पे ध्यान देती है आप, तो आपके लिए आपका फिटनेस मंत्रा क्या है, अगर हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहे, क्योंकि काफ़ी सारी ऑडियंस जो है आपसे इंस्पायर्ड होती है इस बात को लेकर, तो क्या कहेंगे इस बारे में क्या होती है? हाँ पक्का फिटनेस मंत्र ये है कि ईट राइट एंड ईट ऑन टाइम एंड जितना पानी पी सके पानी पीजिए, और जितनी भी गलत चीज़ें हैं जो बॉडी को रिक्वायर्ड है ही नहीं, जैसे कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड और एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें ना लें, जितना जो चीज़ चाहिए बॉडी को, वो हेड टू टो जो जो चीज़ें चाहिए होती, क्योंकि बालों को भी खाने की ज़रूरत होती है, सो जस्ट गिव राइट टू योर बॉडी एंड योर फिट। मैम आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की सेवाएं अवेलेबल रहेगी, सर्विसेज क्या क्या रहने वाली है स्पा में, और कितने कॉस्ट होगा उनका, क्या दूसरे सलून से कितना अलग बता देंगे भाई, कितने सलून से अलग होगा?